नमस्कार, मैं शिवानी नेगी, संचालिका कांगड़ा लोक कलामय धर्मशाला, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जी का, जिनकी सूझबूझ और जिनके उत्साह ने हम कलाकारों में एक निराशा में आशा की झलक दिखलाई है। क्योंकि हम सबको पता है कि कोविड की इतनी आपातकालीन स्थिति में हम सब कलाकार भयभीत थे कि हमारी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी, हम लोग स्टेज परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे हैं, तो बहुत सारे कलाकार हताश हुए बैठे थे कि अब क्या करेंगे, हमारे तो प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन बोलते हैं कि अंधेरे में आशा की किरण जलाने वाला कोई ना कोई होता है, और जो हमें नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर से बहुत सारी उम्मीदें थी और वो उम्मीदें पूरी साबित हुई हैं। क्योंकि हम कलाकारों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो प्रोग्राम्स करने थे, और ऑनलाइन प्रोग्राम्स का ये प्रचलन जो शुरू हुआ है, ये इतनी अच्छी सूझबूझ जो है वो हम सब कलाकारों के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित हो रहा है। और अब ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आज का कार्यक्रम जो है वो हम लोग गद्दी समुदाय के ऊपर आधारित हमारे जो फोक सॉन्ग्स और फोक डांसेस हैं उसके ऊपर हम प्रस्तुत करने वाले हैं, और उम्मीद है कि आप हमारी त्रुटियों को पहले से ही माफ करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत कम संसाधन हैं और हम लोग वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं आजकल कोविड के चलते। अभी जैसे हमारे म्यूजिशियंस भी प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बहुत दूर दूर रहते हैं कुछ लोग, लेकिन फिर भी वो इसी उसमें आ रहे कि चलो हम कुछ ना कुछ तो शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने सबसे पहले शिव नवाला। शिव नवाला का मतलब है जिसमें हम शिव भक्ति और शिव स्तुति के ही सभी गाने गाएंगे, और हमारे हम हिमाचल से हैं तो हमारे हिमाचल में भरमौर के पास मणि महेश जी हैं। ज़्यादातर ये शिव जी भगवान का जब हम यात्रा करते हैं मणि महेश जी की, तो उस टाइम में ये नवाला जो है रात रात भर गाया जाता है। और आजकल तो हमारे प्रदेश के हर कोने में जहाँ भी गद्दी समुदाय के लोग हैं वो अपने शिवरात्रि में या कोई उनका जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, शादियाँ, विवाह, मुंडन सेरेमनी वगैरह में, उसमें भी ये चीज़ें गाते हैं। जैसे हम लोग जागरण करते हैं वैसे इनका शिव नवाला होता है। और इनके अगर मैं वेशभूषा की बात करूँ गद्दी समुदाय के, तो हमारे यहाँ पे इनके जो मैंने पहन रखा है वो लवांचड़ी होता है, और एक इनका डोरा होता है, और वो डोरे की एक खासियत होती है कि उससे वो इतना गर्म होता है, वो भेड़ की ऊन से बनाया जाता है और वो इतना गर्म होता है कि जब हम उसको कमर पे बांधते हैं तो हमारी जो बैकबोन है उसको एक स्टेबिलिटी मिलती है, उससे उसकी स्पॉट से उसकी बैकबोन की जो वो है आपकी प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी पेन नहीं होती उस चीज़ से, हम चाहे जितना मर्जी काम करें, और वो गर्म भी रखता है हमारे बॉडी को। और बहुत सारी चीज़ें हैं वेशभूषा को लेके, खान पान को लेके, एक समुदाय से बहुत सारी चीज़ें जुड़े होते हैं। और हमारे जो म्यूजिशियंस होते हैं उसमें हम जैसे नवाला में ज़्यादातर घड़ताल, चिमटा और ढोलक हारमोनियम तो होता ही, इन घड़ताल चिमटा वगैरह अभी हम लोग आज नहीं बजा पा रहे हैं क्योंकि हमारे, मैं पहले बता रही हूँ कि कोविड के चलते थोड़े से लिमिटेशंस हो जाती हैं कई चीज़ों की, तो जितना भी हम कर पाएंगे वो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलो आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहे हैं हम शिव नवाला। Shiva, 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 Shi
आशा करती हूँ कि आप सबको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। शिव भगवान आप सबको आशीर्वाद दें और सब जो पूरा विश्व है वो कोरोना मुक्त हो जाए, हम तो यही दुआ करते हैं, और ताकि हमारे जल्दी जल्दी स्टेज प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएं। और अब बस शिव गान के बाद हम फिर से एक शिव गान ही करेंगे और उसमें कुछ हम अपने और गद्दी गाने गाएंगे, जिसमें हम थोड़ा डांस भी कर लेते हैं और जो थोड़ा सा मस्ती वाले गाने हैं तो वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लीजिए, जिसमें है हुन वो कताएं जो नसदा धोड़ुआ, बापुए लाड़े तेरे लाई लाई ओ रामा। तो उसका बोलने का मतलब है कि पार्वती माँ जो है वो बताती हैं, धोड़ुआ हमारे शिव बाबा के लिए बोला जाता है, वो बताती हैं कि भाई मेरी तो तुमसे शादी होने वाली है तो तुम इससे क्यों भाग रहे हो करके। तो वो थोड़ा सा एक छेड़खाने वाला मतलब हम बोलने की शिव जी और पार्वती की गाथा है उसमें, कि कैसे कैसे उनका वार्तालाप होता है उस गाने में। और उसके बाद एक हमारा है चिट्टा ततेरा चोला काला डोरा ओ शंभुआ हत्थे सोठियो, कि वो फिर बोलते हैं पहनावा जो हमारे, जैसे मैंने बताया कि जो लेडीज की वेशभूषा है उसको लुआंचड़ी बोलते हैं, तो वैसे जो मेल्स का होता है, जैसे इसमें शंभू को बोले हैं कि चिट्टा ततेरा चोला, जो वो लोग जो मेल्स पहनते हैं गद्दी कम्युनिटी के वो चोला पहनते हैं चोलो, और उसके साथ वो बोल रहे हैं चिट्टा ततेरा चोला काला डोरा, और डोरा पहना होता है वो शंभुआ हत्थे सोठी हो। शंभू जो है वो अपनी भेड़ बकरियां चराने जाते हैं जब, तो वो हाथ में सोठी लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा पशुपालन का जो उद्योग है वो व्यवसाय जो है वो मेनली हिमाचल में वही पाया जाता है हमारी कम्युनिटी में। वो चिट्टा ता तेरा चोला काला डोरा वो शंभू का हत्थे सोठियो।
Thank you.